हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6.3 नाइन्थ क्लास की कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। इसमें हमें एक ट्रायंगल दे रखी है, उस ट्रायंगल के दो एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। हमें इसमें फाइंड करना है ये एंगल, ठीक है। ट्रायंगल में कुल मिला के तीन एंगल्स होते हैं, 1, 2, 3। हमने मान लिया इनके नाम भी 1, 2, 3 हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक है। अब ये एक कंप्लीट लाइन है, तो ये एंगल प्लस में ये एंगल 180 के इक्वल होगा। ये एक कंप्लीट लाइन है, तो ये एंगल प्लस में ये एंगल, ये 180 के इक्वल होगा। इन दोनों का यूज करेंगे। पहले यहाँ पे देखो, तो एंगल ये वाला कौन सा है, पी क्यू टी प्लस में एंगल 2 इक्वल होगा 180 के लीनियर पेयर से। अब पी क्यू टी कितना गिवन है, 110 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू 180। ये प्लस का उस साइड में जाके माइनस का हो गया, तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई 180 माइनस में 110 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। सेम टाइप से यहाँ पे किया, एंगल पी एस पी आर, एंगल एस पी आर प्लस में एंगल 1, ये वाला एंगल 1 है। इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा, लीनियर पेयर से होगा। एस पी आर की वैल्यू कितनी है, 135 प्लस में एंगल 1 इक्वल हो गया 180। ये प्लस का उस साइड में जाके माइनस, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस में 135 विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। एंगल 1 मेरे पास है, 2 मेरे पास है, 3 निकालना है, बट एंगल 1 प्लस में 2 प्लस में 3 तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 से, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी कराई थी आपको प्रूफ। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई है, 45, 2 की 70, 3 की निकालनी है इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया, 115 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 एंड एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस में 115 एंड विच इज इक्वल टू 65 डिग्री। दिस इम्प्लाइज, जो हमें फाइंड करना था पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू विच इज इक्वल टू 65 डिग्री, ये हमारा फाइंड हो गया एंगल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, इसमें हमें ये फिगर गिवन है, एक्स वाई जेड, बीच में ओ पॉइंट है, ये एंगल 65 है, वाई 54 है। वाई ये कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल हमें निकालना पड़ेगा। हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए मुझे एक कंप्लीट एंगल निकालना पड़ेगा, तो हम लेके चले ट्रायंगल एक्स वाई जेड। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम कितना होगा, 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्स की वैल्यू कितनी है, 62, वाई की 54, जेड की फाइंड करनी है इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 611 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। एंगल जेड इक्वल टू 180 माइनस में 116 कितना बच गया, 64। तो ये कंप्लीट एंगल कितना आ गया, 64 डिग्री का आ गया। अब दे रखा है कि ओ वाई ये जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ओ जेड इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। मीन्स मान लिया अब हमने ये 54 है, इनको इरेज किया, इनका नाम दे दिया। जो ये वाला एंगल है ऊपर वाला, इसका नाम 1, नीचे वाले का 2,
ये जो ऊपर वाला है इसका नाम 3, नीचे वाले का 4, ठीक है। और जो ओ एंगल है इसका नाम दे दिया 5, ठीक है। एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, ऐसा गिवन है, ठीक है। गिवन है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, 3 इक्वल है 4 के, ऐसा हमें गिवन है। तो एंगल 1 प्लस में 2 किसके इक्वल होगा, एंगल y के। और y की वैल्यू कितनी है मुझे 54 गिवन है, ये रही। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 54 डिग्री। लेकिन 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो एंगल 2 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू 54, 2 एंगल 2 इक्वल टू 54, 2 मल्टीप्लाई में उस साइड में जाके डिवाइड में, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 54 अपॉन में 2, 27। सेम टाइप से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू जेड की वैल्यू कितनी आई है 64, लेकिन 3 इक्वल है किसके 4 के, यहाँ पे लिख दिया एंगल 4 प्लस में एंगल 4 इक्वल टू 64, 2 एंगल 4 इक्वल टू 64, एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई 64 अपॉन में 2 इक्वल टू 32। अब हमने ट्रायंगल ली ओ वाई जेड, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड एंगल 2 प्लस 4 प्लस 5 तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 बाई एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी से। तीन एंगल्स लिए हमने ट्रायंगल के ओ वाई जेड, एक ट्रायंगल है इसके तीन एंगल्स है, एंगल 2 एंगल 4 एंगल 5, तीनों का सम हो गया 180। एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई है 27 प्लस में एंगल 4 की वैल्यू 32 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया 59 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तो एंगल 5 कितना हो जाएगा 180 माइनस में 59, ये कितना हो गया 121। कौन सा आ गया एंगल 5, एंगल 5 कौन सा है ओ वाला एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल था वाई ओ जेड ये कितना आ गया 121, और ये जो एंगल है ओ जेड वाई ये कितना है मेरे पास 32, ये 32 आ गया। ये हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें फिगर ये गिवन है, ये कोई ए से बी लाइन है, ये डी से ई लाइन है। गिवन है इसमें कि जो ए से बी है वो पैरल है सी डी के, ठीक है। पैरल लाइंस ऐसे ही होती है जो कभी मीट ना करें, और ऐसे होता है तो उसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। यहाँ पे भी ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, एंगल ए इक्वल होगा एंगल ई की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ए कितना है 35, तो एंगल ई कितना हो गया 35, ठीक है। अब हमने ट्रायंगल ली सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई इसमें एंगल वन सॉरी एंगल सी प्लस में एंगल डी प्लस में एंगल ई, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 बाई एएसपी। एंगल सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, निकालनी है मुझे सी की, तो डी की कितनी है 53, ई की 35 इक्वल टू 180। एंगल सी इन दोनों को ऐड किया तो 88, एंगल सी प्लस में 88 इक्वल टू 180। ये प्लस का उस साइड में जाके माइनस का, तो एंगल सी की वैल्यू आ गई 180 माइनस में 88, कितना बच गया 92 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल है सी कितना आ गया 92 डिग्री आ गया, यही फाइंड करना था।
क्वेश्चन नंबर फोर है बेटा, इसमें हमें ये फिगर गिवन है और इस फिगर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये 95 का एंगल है, ये 40 का और ये 75 का है। हमें ये जो एंगल है क्यू, ये फाइंड करना है कि कितने का होगा, ठीक है। अब देखो, ये 90 का है, ये 45 का है, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। और जितने का ये एंगल होगा उतने का ये होगा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है। जब ये एंगल मेरे पास होगा, ये मेरे पास होगा, तो ये हम निकाल सकते हैं किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हमने ट्रायंगल ली, मान लिया ये एंगल 1 है और इसका नाम 2 है। तो इन ट्रायंगल पी टी आर, ट्रायंगल पी टी आर, इसमें एंगल पी प्लस में एंगल आर प्लस में एंगल 1, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। पी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 95, आर की दे रखी है 40, 1 की हमें फाइंड करनी है इक्वल टू 180। 95 प्लस 40, 135 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। ये प्लस का उस साइड में जाके माइनस का हो गया, एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 135, ये हो गया। 180 में से 135 माइनस हुआ तो मेरे पास कितना बच गया, 45। एंगल 1 कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो, बट जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज एंगल 2 कौन सी ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, टी एस क्यू। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल टी एस क्यू, एंगल 2 प्लस में एंगल एस प्लस में एंगल क्यू, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी, 45, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 45। ये 45 हो गया। एस की वैल्यू कितनी है, 75 प्लस 75, क्यू की हमें निकालनी है, प्लस में क्यू इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। अब 45 प्लस 75 कितना हो गया, 120। 120 प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180। अब ये यहाँ पे प्लस का है तो उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, एंगल क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास 180 माइनस में 120, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही फाइंड करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर हमें दे रखी है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एंगल 28 है, ठीक है। तो इस एक्स की और वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमने ट्रायंगल ली क्यू एस आर, ये ट्रायंगल हो गई कौन सी, क्यू एस आर। इसमें एक एंगल तो ये है बेटा और एक एंगल ये है, इसको मान लिया हमने एंगल 1, ठीक है। कौन सा एंगल है, एक तो ये है और एक ये है, दोनों को मान लिया। तो ये प्लस में ये इक्वल हो जाएगा इसके, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल क्यू एस आर, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस में जो यहाँ पे एंगल 28 दे रखा है इसका नाम दे दिया एंगल 2 है, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 कितना हो जाएगा,
और यहाँ पे जो एंगल है इसका नाम मान लिया एंगल थ्री है, ये 65 है और ये 28 है। तो एंगल वन प्लस टू इक्वल हो जाएगा एंगल थ्री के, बिकॉज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी है, हमने आपको करवाई भी थी, इसका प्रूफ भी करवाया है क्यों होता है ऐसा। तो इसकी हेल्प से मेरे पास एंगल वन प्लस में टू आ गया एंगल थ्री के इक्वल। अब एंगल वन हमें फाइंड करना है, एंगल टू की वैल्यू 28 है, थ्री की वैल्यू 65 है, ये प्लस का है तो उस साइड में जाके माइनस, एंगल वन आ गया 65 माइनस में 28। अब 65 में से 28 गए तो कितने बच गए, 37 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है एंगल वन आ गया। अब देखो पी क्यू पैरल दे रखा है एस आर के, बट पी क्यू पैरल है एस आर के, इसका मतलब एंगल वन इक्वल होगा एंगल एक्स के। दिस इंप्लाइज एंगल वन इक्वल होगा एंगल एक्स के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहां से क्या आ गया, एंगल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 37 के, क्योंकि वन एंगल भी तो 37 है, तो ये आ गया। अब उससे आगे देखो, सेम इसी रीजन से जब पी क्यू एस आर के पैरल है और पी क्यू पी एस पे परपेंडिकुलर है, तो हम लेके चलेंगे पी क्यू पैरल है एस आर के एंड पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे। इसका मतलब ये होगा बेटा कि जो पी एस है, जो पी से एस है, वो परपेंडिकुलर होगा एस आर पे। होता क्या है देखो, ये दो लाइन्स हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये, दो लाइन्स हैं, दोनों लाइन्स आपस में पैरल हैं। तो मैंने एक लाइन खींची यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे ये 90 का एंगल बना रही है, ये 90 का एंगल बना रही है। जब ये जो लाइन एल और एम है, ये दो लाइन्स पैरल है और मैंने एक लाइन खींची बीच में से, वो यहाँ पे 90 एंगल बना रही है। जब ये 90 का, तो ये भी कितना होगा 90 का, दोनों 90 के होंगे ना, इक्वल होंगे। जब ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 अल्टरनेट एंगल से, ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 अल्टरनेट एंगल से। मीन्स यहाँ से क्या आ गया बेटा कि अगर कोई लाइन इस पे परपेंडिकुलर है ना, तो इस पे भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा उसको। यही बात हमने लिखी है, अगर के दो लाइंस पैरल है, पी क्यू पैरल है एस आर के और पी क्यू पी एस पे परपेंडिकुलर है, तो जो पी एस है ना, वो एस आर पे भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल बना, ये कितना बनेगा 90 का। दिस इंप्लाइज एंगल वाई प्लस में एंगल वन, वाई प्लस एंगल वन कितना हो जाएगा 90। y की तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल y या सिंपल y देख दो, y प्लस में एंगल 1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई है 37 आई है, यहां पे पुट कर दो 37 इक्वल टू 90। ये प्लस का है तो उस साइड में जाके माइनस का, 90 माइनस में 37, 90 में से 30 गए कितने बच गए 60, और 60 में से 7 गए तो 53। ये हमारा आंसर आ गया।